नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट की जो प्राइजिंग है उसमें बिजनेस प्राइस कैसे इंक्लूड करें। तो जिनको नहीं पता है कि बिजनेस प्राइस क्या होता है उनको मैं बता दूँ कि बिजनेस प्राइस आपने देखा होगा कि आजकल अमेजोन प्रमोट कर रहा है बिजनेस अकाउंट को। इसमें क्या होता है कि अगर किसी के पास में GST नंबर है तो उसके भी आप अकाउंट बना ले और जो भी चीज़ वो खरीदेगा उसमें जो GST वो पे करेगा 18% 12% जितना भी पे करेगा वो बाद में क्लेम कर सकते हैं अपने जब फाइलिंग करेगा हर महीने या क्वार्टरली, तो उस टैक्स अमाउंट को वो रिफंड पा सकता है। तो इसको अमेजोन प्रमोट कर रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। तो आप अपनी आपकी जो लिस्टिंग है उस पर भी आप अगर बिजनेस प्राइस मेंशन कर देंगे तो आपकी जो लिस्टिंग है वो बिजनेस यूजर्स को भी ज़्यादा दिखाई जाएगी। हालांकि दिखाई जाएगी, नॉर्मल ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन उसकी अपेक्षा कम दिखाई जाएगी। अगर आपने यहाँ पे बिजनेस प्राइस डाल दिया तो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको आपकी लिस्टिंग को बिजनेस यूजर को दिखाया जाएगा। अगर आपने बिजनेस प्राइस नहीं डाला है तो उस लिस्ट में होगा, दूसरे नंबर पर हो, तीसरे नंबर पेज पर हो, वो कहाँ होगा पता नहीं। इसलिए हमेशा अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेलिंग थोड़ी बढ़े, ऑर्डर्स आए, तो आप बिजनेस प्राइस को ज़रूर मेंशन करके चलें। ये देखिए पैनल इस तरह का आपको मिला होगा अगर आपने कुछ लिस्टिंग की होगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए एक मेरे पास में 2-in-1 चॉपर है, वेजिटेबल चॉपर है, उसकी मैंने ऑलरेडी प्राइजिंग कर रखी है। यहाँ पे एक पैनल मिल जाएगा बिजनेस प्राइज का, देखिएगा यहाँ पे क्या करना होगा। नीचे आपको एक बॉक्स मिलेगा एरो हेड, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, दो तरीके से, एक परसेंटेज में और एक फिक्स प्राइस में। तो यहाँ देखिए, यहाँ है परसेंटेज, यहाँ पे मतलब कितने परसेंट का आप छूट देना चाहते हैं, और दूसरा है फिक्स प्राइस। तो फिक्स प्राइस मैं कहता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर ये मेरा जो प्रोडक्ट है, देखिए मैं आपको फिक्स दिखाता हूँ, देखिए ये मेरा प्रोडक्ट है कम्बो, यानी एक पैक में ये दो होगा, मतलब 150 रुपये में मैं बेच रहा हूँ दो, ये दो पीसेस। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा, देखिए फिक्स प्राइस में, देखिए कि अगर किसी ने दो क्वांटिटी ली, मतलब कि चार पीस खरीदा, मतलब दो ऑर्डर प्लेस किया, तो उसे मैं 20 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। क्लियर समझे आप? मतलब आप यहाँ पे आप दो चार जितना चाहें ऐड कर सकते हैं थ्रेड सो। अगर किसी ने मान लो, मैं चाहता हूँ कि भाई किसी ने अगर चार ऑर्डर किया तो मैं सीधे उसे 50 रुपये का छूट दूँगा। तो आपके जो सेलिंग है, जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी ना, आपकी जो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और आपकी सेलिंग क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, ऑर्डर भी बढ़े। तो आप उस तरह से कर सकते हैं। यही चीज़ अगर आप परसेंटेज में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। दो पीस कोई ख़रीदता है तो उसको 5%, 10%, जो भी आप चाहें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 5% कर देता हूँ, तो देखिए 5% का मतलब हुआ 8 रुपये, 150 में से 8 निकल गए, 142 रुपये बचे, ठीक है ना। तो इस तरह अगर कन्फ्यूजन आपको लगे तो फिक्स वाला कर दीजिए। तो मैंने फिक्स ऑलरेडी कर दिया है, एक परसेंटेज वाला मैं हटा देता हूँ, ये अप्लाई हो जाएगा, तो इसे आप हटा दीजिए। जो आप चाहें, परसेंटेज में करना चाहें तो कर लीजिए, फिक्स करना चाहें तो कर लीजिए। तो हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे और ये मैं सिर्फ टू क्वांटिटी पे ही करूँगा, यानी 5 पे नहीं करूँगा। आप चाहें तो जितना चाहें 10-20 आप ऐड कर सकते हैं। तो यानी दो ऑर्डर कोई करता है एक साथ तो 20 रुपये का उसे तुरंत वहीं छूट मिल जाएगा। आप इसे सेट कर दीजिए, ठीक है। तो सेट जब आप कर देंगे तो अब देखिए, अब यहाँ पे अप्रूव भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दो ऑर्डर यानी 300 रुपये का कोई ख़रीदेगा ना तो उसे 300 के बजाय 280 रुपये पे करना होगा, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो मेरी जो क्वांटिटी है वो सेलिंग की क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी, और दूसरा आप वो छोड़िए बढ़े जाना बढ़े, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके बिजनेस यूजर्स जो होते हैं उनको आपकी लिस्टिंग शो करेगा प्रायोरिटी बेसिस पे। तो मेरा आपकी मेरी आपको सजेशन है कि आपकी जितनी भी लिस्टिंग है, जेनरिक नॉन जेनरिक ब्रांडिंग जो भी है, उसकी बिजनेस प्राइस आप ज़रूर मेंशन करें। इससे आपकी सेलिंग का जो रेशियो वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। हालांकि मैं बहुत पुराना सेलर नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं अपने सारे प्रोडक्ट में करके रखता हूँ। तो आपको मुझे बताना था, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। इसको लेके कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा। मिलूँगा अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय दोस्तों।